वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मक्के के आटे की हलवा बनाने जा रही हूँ। इसके लिए गुड़, घी, मक्के के आटा, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया। पहले मैं गुड़ का चाशनी बना ले रही हूँ। गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको चाशनी बना लूँगी। बीच बीच में इसको चला दूँगी ताकि गुड़ नीचे से चिपक ना जाए। चाशनी तैयार हो गया है। आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के ड्राई फ्रूट्स भून लूँगी। काजू और बादाम मैंने काट लिया, इसको थोड़ा सा भून लूँगी। देखिए इसमें आप कलर आ गया है, आप इसको मैं निकाल लूँगी। देखिए आप मैं इसको निकाल ले रही हूँ। आप इसमें एक कप मक्के की आटा घी में डाल के अच्छे तरह से इसको भूनूंगी जब तक इसका कलर ना आ जाए। थोड़ा सा मैं घी डाल दे रही हूँ और कम आँच में इसको चलाते जाऊँगी। जब तक इसका कलर ना आ जाए तब तक इसको भूनूंगी। देखिए आप धीरे धीरे ये कलर आ रहा है। जब पकता है तो इसका खुशबू भी आने लगता है। देखिए ये पक गया है। आप में जो चाशनी बना रखी हूँ आटा में आप डालूंगी। देखिए चाशनी को मैं छान के डाल रही हूँ ताकि गुड़ से चाशनी में कुछ गंदगी रहे तो हलवे में ना जाए। थोड़ा थोड़ा करके मैं चाशनी डाल रही हूँ और चलाते जा रही हूँ ताकि हलवा में लम्स ना बने। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल रही हूँ और चलाते जा रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं चाशनी डाल दिया और इसको मैं चलाते जा रही हूँ। इसी तरह से कम आँच में चलाते जा रही हूँ। देखिए आप ये हलवा घी छोड़ने लगा है तो हलवा तैयार हो गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए इसमें कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब मक्के के आटे के हलवा तैयार हो गया है। उसके ऊपर से मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ। मक्के के आटा सर्दियों में खाना बहुत अच्छा होता है। ये गुड़ से बनी हुई है मक्के के आटे का हलवा और भी ज़्यादा फायदा करता है। ऊपर से थोड़ा सा मैं घी डाल दे रही हूँ। हलवा में ऊपर से घी डालने से और भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो मेरे तरफ मक्के के आटे के हलवा कभी आप भी घर पे बनाइए और खाइए। खा के कमेंट करके ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।